मेरी शादी के बाद मुझे दो लड़कियां हुई, लेकिन मेरी बड़ी दीदी को यह गवारा ना हुआ कि मुझे दो लड़कियां हो गई हैं। मैं काम के सिलसिले में बाहर चला गया तो मेरी बड़ी दीदी ने मेरी लड़कियों को बेच दिया और मुझसे कह दिया कि तेरी बीबी बच्चियों को लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई और फिर जबरन मेरी दूसरी शादी किसी और लड़की से करवा दी। जब हम दुल्हन को घर लेके आ रहे थे तो मेरी कार से एक लड़की टकराई। मैंने जब गाड़ी से उतरकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मेरी शादी रानी से हुई थी। रानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हालांकि यह रिश्ता मेरी बड़ी दीदी ने पक्का करवाया था, लेकिन वह मेरी पसंद नहीं थी। फिर भी जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उससे प्यार कर बैठा, अपना दिल हार बैठा। हमारी शादी हो गई। शादी के बाद रानी हमारे घर आई। मेरे घर में बड़ी दीदी भी रहती थी। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी, या फिर ये कहो कि उन्होंने शादी की नहीं थी। मेरे बड़ी दीदी से बहुत बार कहा, दीदी आप शादी कर लो, पर दीदी ने कहा कि पहले मैं तेरा घर बसाऊंगी, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। मेरी दीदी कहती, मैं तुझे इस हाल पर छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मेरी दीदी ने पहले मेरी शादी करवाई। मेरे घर में बहू बनकर आई रानी, दीदी की खूब सेवा करती, उन्हें एक भी मौका नहीं देती गुस्सा होने का। जैसे ही मेरी शादी का एक साल गुजरा, मुझे एक लड़की हुई, पर दीदी को यह बात गवारा न हुई। दीदी ने सोचा, दीदी की सोच पुराने ज़माने जैसी थी। दीदी कहती कि पहले लड़का होता तो बहुत अच्छा होता हमको, बाद में फिर कुछ भी होता, लड़का या लड़की। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी कोई बात नहीं। मेरी दीदी ने लड़की को गोद में लिया तो ऐसा लग रहा था कि वो नाटक कर रही हैं उससे प्यार करने का। फिर मैंने दीदी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आजकल लड़का और लड़की में क्या फ़र्क है, लड़का लड़कियों से कम थोड़ी है। फिर दीदी ने कहा, ठीक है। फिर दीदी ने मेरी बेटी को प्यार किया और उसे गोद में ले लिया। जैसे ही मेरी बड़ी बेटी नेहा 2 साल की हुई, रानी फिर से प्रेग्नेंट हो गई और दूसरी बार रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे घर में फिर से लक्ष्मी आई थी। लेकिन पता नहीं दीदी का मुंह क्यों फूला हुआ था, दीदी हॉस्पिटल में भी नहीं गई। मैंने दीदी से बोला कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो, तो दीदी ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं जाना, तुम चले जाओ, जब घर आएगी तब मैं देख लूँगी। उसके बाद में मेरी बीबी के पास घर ले आई हॉस्पिटल से। मेरे ऊपर अब 2 बच्चियों की जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए मैंने मेरी बीबी से कहा कि मैं काम करने के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, अब हमारी बच्चियों की भविष्य की बात है, इसलिए मेरे पति बाहर काम करने के लिए चले गए। उसके बाद मेरी बेटियाँ लगभग बड़ी वाली 4 साल की हो गई थी और छोटी वाली लड़की 2 साल की हो गई थी। एक दिन मेरी दीदी ने रानी से कहा कि रानी, तुम्हारी बेटी को मैं बाहर गार्डन में घुमा कर लाती हूँ, तब तक तुम घर का सारा काम कर लेना। रानी ने कहा, ठीक है। 2 घंटे बाद जैसे ही दीदी घर आई, उनके साथ बच्चियाँ नहीं थी, तो रानी ने पूछा, बच्चियाँ कहाँ हैं दीदी? तो दीदी ने रो रो कर बताने लगी, बच्चियों को कोई उठा कर ले गया है, पता नहीं कौन था, गाड़ी में आया था और मेरे हाथों से बच्चियों को झपट कर छीन कर ले गया। तो मेरी बीवी बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसके बाद वह घर से निकल कर बच्चियों को ढूंढने लगी, पर उसे कोई बच्ची नहीं मिली। वह हर गाड़ी वाले को रोक कर कहती, मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं, मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दो, तुम नहीं
मेरी बच्चियों को चुराया है। उसके बाद रानी वापस लौट के कभी घर नहीं आई, कभी नहीं आने। फिर 2 दिन बाद मेरी दीदी ने मुझे फ़ोन लगाया कि तेरी बीवी तेरी बच्चियों को लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई है। मैंने कहा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, रानी ऐसा नहीं कर सकती, वह तो बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन मेरी दीदी ने मुझे बातें बोल बोल कर मुझे यकीन दिला दिया कि रानी एक चरित्रहीन लड़की है। मेरे दिमाग कुछ और कहता और दिल कुछ और कहता। दिमाग कहता कि हाँ, रानी ऐसी लड़की हो सकती है, पर दिल इस बात को मानता नहीं, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं ये बात सुनकर सीधे घर आया और रानी को हर जगह ढूंढकर रिश्तेदार, उसकी सहेली के घर, हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे रानी कहीं नहीं मिली, ना ही मुझे मेरी बच्चियाँ मिली, कोई नहीं मिला। तो मैंने भी यकीन कर लिया कि मेरी बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। कुछ दिन के बाद ऐसे ही निकल गए, ना मैं खाता, ना मैं पीता, ना किसी से मिलता, बस अपने कमरे में ही बैठा रहता। दीदी मुझसे खाना खाने की कहती कि खाना खा लो, पर मैं दीदी से मना कर देता। दीदी से पूछता, दीदी रानी की कोई खोज खबर मिली है क्या? तो दीदी मना कर देती, क्योंकि अगर वह होती तो मिलती ना, वह तो अपने आशिक के साथ ऐसे रह रही होगी और तुझे उसने धोखा दे दिया। तेरे लिए मैंने गलत लड़की चुन ली थी, अगर तेरा रिश्ता उसके साथ नहीं होता तो आज यह सब नहीं होता। लगभग 4 महीने बाद मेरी दीदी मेरे पास आई और मुझसे बोली कि तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि रानी ने तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तू उसके लिए अपनी ज़िंदगी कब तक बर्बाद करेगा। दीदी ने साफ मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने दीदी से मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। फिर दीदी ने मुझे बहुत समझाया, बात दीदी के बार बार बोलने पर मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। तो दीदी ने मेरे लिए एक दूसरी लड़की देखी, उसका नाम रोशनी था। मेरे दीदी ने कहा कि हम शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, ज़्यादा रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे, और मैं भी दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर गए, और वहाँ पर स्टेज पर दुल्हन वरमाला लेकर आई। रोशनी वरमाला लिए खड़ी थी। जैसे ही मैंने रोशनी को देखा, मुझे रानी की याद आने लगी। रानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मन ही मन में रानी से प्यार भी बहुत करने लगा था। बेशक मेरी शादी दीदी ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी, पर मैं रानी को पहले ही नज़र में अपना दिल दे बैठा था। मुझे अचानक वह दिन आने लगे जब मेरी शादी रानी से हुई थी। मैं कितना खुश था, मेरी सगाई रानी से हुई तो हम लोग चुप चुप के बातें करते थे, चुप चुप के मिलते भी थे, किसी को पता नहीं कि मेरी शादी अरेंज मैरिज थी, पर वह लव मैरिज से कम नहीं थी। उसे मैं कैसे भुला दूँ, मुझे यह समझ नहीं आ रहा था। दिल कुछ और कहता, दिमाग कुछ और कहता, यह सारी बातें याद कर ही रहा था कि मेरी दीदी ने बोला, जयमाला पहना दो, जयमाला पहना दो। कुछ लोग बोलने लगे, जयमाला पहना दो, और मेरी दीदी ने मेरे हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेरे हाथों से जयमाला रोशनी के गले में डलवा दी, और रोशनी ने भी मेरे गले में जयमाला डाल दी। हम दोनों की शादी हो गई। शादी न चाहते हुए भी जबरन मेरी शादी हो गई। उसके बाद
रोशनी बहू बनकर अपने घर ला रहा था मैं रोशनी को। बस रानी के याद में गाड़ी चला रहा था, अचानक एक लड़की मेरे गाड़ी से टकराई। मैंने अचानक ब्रेक लगाया। दीदी बोली, कौन है, सब ठीक तो है ना, किसी को चोट तो नहीं लगी? जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतर कर देखा, मेरे पैरों तले से मेरी जमीन खिसक गई, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं थी, मेरी पहली बीवी रानी थी। मुझे थोड़ा सा पहचान लिया, मैंने उसे गाड़ी में बिठाया। बाद में रानी मुझसे कहने लगी कि मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं, तुमने मेरी बच्चियों को चुराया है, बताओ मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं, तो बच्चे चोर हो तुम। रानी को देखकर समझ आ गया कि रानी के दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तो मैंने रोशनी को भी सारी बातें बता दी। रोशनी एक समझदार लड़की थी, उसने कहा कि आप पहले से ही तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी वापस आ गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी थी, आप अपने बीवी के साथ खुश रह सकते हो। वह अपने घर वापस चली गई। मैंने भी दहेज का सारा पैसा, सब सामान रोशनी के घर वापस कर दिया था। और फिर उसके बाद रानी का एक अच्छे डॉक्टर से मैंने इलाज करवाया। लगभग एक महीने बाद रानी अच्छी हो गई, वह मुझे अच्छे से पहचानने लगी। उसने मुझे सारी बात बताई। दीदी ने घूमने हमारी बच्चियों को घुमाने ले गई थी, उसके बाद घर वापस आई। मैंने दीदी से पूछा कि हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं, तो दीदी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला कि किसी ने किडनैप कर ली है, मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, दीदी के सामने रोती, पर दीदी ने कुछ भी नहीं बताया। फिर एक दिन दीदी कहीं बाहर जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गए, उनके दोनों पैर खराब हो गए, अब वह चल नहीं सकती थी, लेकिन मेरी बीवी रानी ने उनकी खूब सेवा करती थी कि शायद दीदी कुछ बता दे हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं। एक दिन दीदी को तरस आ गया, रानी को बता दी कि तुम्हारी लड़कियों को उसने बेच दिया था, फिर उसका एड्रेस दिया, तो मैं जाकर अपनी बच्चियों को ले आया। दीदी ने किया जो बहुत हमारे साथ, लेकिन हमने दीदी को फिर माफ़ कर दिया, क्योंकि दीदी ने जो कुछ किया था उसकी सज़ा भगवान ने उनको दे दी थी। फिर मैंने दीदी को माफ़ कर दिया, मेरी बीवी रानी ने भी दीदी को माफ़ कर दिया। हम दोनों बच्चियों के साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। दीदी भी हमारे साथ रहती। दीदी ने भी शादी नहीं की। दीदी ने कहा कि अब वह कभी शादी नहीं करेगी, हम लोगों की शादी रहेगी। फिर वह यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।